चाहे तथा यम तो इलेक्टेड यम गवर्नमेंट चाहे तथा पी डी पी बी जे पी कांग्रेस या बे जमात वन अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस कि तमो कहीं ये थोक नकाया वहां कि सोन यह सिस्टम अस एन जी ओ चल पकन मिलिस तय जिस गोडनेची कथ वन कि लक्त गरों गाम फार फ्लंग एरियो कि ग्राउंड लेवल पे सियासत कर ना बड़बार सियासत दान ना मोल सियासत मूच जुलम वोट तान जेलिस हवाई तो हवाई मिलान पकन तुम गरीबन कुन नजर कि गरीब अकिस एम एल एस और सो गुजारिश बह कर सर ज्यादा जोर गुह सी पी डी सी और वह खर्च कर सचुन अगर पे एग्जाम्पल दिन पे हल्के अये रोपये करोड़ मगर अस बनो स्टेडियम तो पे बचन खुद अच्छे पी डी डी एस तौल अर एन पी एस तौल ये कोशिश करो पॉजिटिव अप्रोच थो तो हरम रबील आलमीन तश तथ क्या तम तुम दोपन ये तुम हिम्मत करो पान तेली हा कर बह तो मदद क्या तालव पे वस नो नबर नकस सत रलवित करो पको कत क्या गुमत संभालो क्या संभालो यह जम्मू कश्मीर अख बोड़ बार स्टेट अस ये पुन वकार हकान वन क्या वे तमी नजर नबर। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आवाज एक चल रही है, आप लगातार जलसे जुलूस जो है कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? इलेक्शन हमारे लिए कोई इशू नहीं है। जो जम्मू कश्मीर अभी तक तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, बेचैन हुआ है, आग लगी हुई है, उसको हम उस आग को बुझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप बहन बेटियों के दुख दर्द को सहने की कोशिश कर रहे हैं और उसका मुदावा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने इस जो कि हमारी पहले से हम एक एनजीओ की तौर पे काम कर रहे थे, हमें पता है कि लोगों के कितने मसाइल हैं, किन किन मसाइलों के ये लोग शिकार हैं, तो उन मसाइलों को एड्रेस करने के लिए हम पॉलिटिकल मैदान में आए हैं और अपनी एक्टिविटीज अब हम रोज बरोज तेज करते जा रहे हैं। आप देखिएगा वक्त आने पर आपको पता चलेगा। जो अभी जो आपकी पार्टी का मंशूर है कि ड्रग फ्री होना चाहिए, वायलेंस फ्री होना चाहिए, क्या ऐसी कैंपेन्स हो जाएंगी आपकी पार्टी की तरफ से कि जो जवान अभी भटके हुए हैं ड्रग की ओर, उनके लिए एक जो है कैंप बिछाए जाएंगे, उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा मशवरा, ताकि उनको ये बताया जाएगा कि वो ड्रग से फ्री रहे? हम एक एनजीओ की तौर पर ही काम कर रहे हैं। हर बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको किसी न किसी तरीके से जो इस ड्रग में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं उनको सही दिशा दी जाए। उनको एडिक्शन, करप्शन, जितना कुछ भी इसको में अभी तक मिल रहा है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम हर तरह के प्रोग्राम करते हैं। मस्जिदों में प्रोग्राम करते हैं, गाँव में प्रोग्राम करते हैं और सियासी प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं। सोर्स के हवाले से बताया जाता है कि काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी से जो है लोग निकल के आपकी पार्टी जो है ज्वाइन करने वाले, इस हवाले से तफसीला। बिल्कुल, जो तीसरी लाइन के लोग हैं तो मुख्तलिफ पार्टियों के, पहले तो हमारे पास 39 लोगों ने भी अप्रोच किया था जिनमें एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर्स भी थे, एमएलसी भी थे, लेकिन चूंकि इस पार्टी ने खुल्लम खुल्ला उन तमाम लोगों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं जो किसी पोलिटिकल पार्टी ने इस्तेमाल किए हों और जिन्होंने करप्शन किया हो, तो क्योंकि ऐसे लोग झूठ बोलने में भी काफ़ी माहिर होते हैं और करप्शन करने में भी एक्सपर्ट है, तो उन लोगों के लिए यहाँ दरवाजे बंद हैं। अलबत्त जो हमारा नौजवान है, यूथ है, उन सब के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, उनको अपने टैलेंट का मौका दिया जा रहा है इधर, ताकि वो जो गर्म गर्म सांस जो उनके मुँह से जो गर्म गर्म सांस निकलेंगे वो एक ऐसा बरसात ऐसे बादल बनेंगे और बरस कर इस जम्मू कश्मीर को रहमत की बारिश बनकर सैराब करेंगे, ये मेरी उम्मीद। एक बच्चे का पेपर होता है, जब पेपर उसे आता है या नहीं आता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर जी से कि इसने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। ये सवाल मुझे क्यों पूछते? ये सवाल आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए, मोहम्मद अकबर लोन साहब से पूछिए और हसनैन मौसूदी साहब से पूछिए और बीजेपी के दो पार्लियामेंट मेंबरों से पूछिए, क्योंकि वो ये डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर हैं।
मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है। अलबत्ता ग्राउंड पे मैं जो देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शायद इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए ऐसा किया होगा। तो पार्टी का मौकफ क्या रहेगा? मेरे पार्टी का मौकफ ये रहेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो अभी तक रिपोर्ट जो मंजर आम पर आया ये भी फिलहाल टेंटेटिव है, परफेक्ट नहीं। जब परफेक्ट कुछ आएगा तो नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट अपना रद्दअमल जरूर इस पर इजहार करेगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे इंतखाबात? अभी तक जो हालात हैं यहाँ पे, अगर हालात ठीक रहे तो इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे भी तो हालात ठीक है, बेटर है, किसी भी डिक्टेटरशिप से ज्यादा बेहतर जमहूरी सरकार होती है। आज के जमाने में, आज के इस वक्त के दौर में हमारे बाबू नौकर जो आपके टैक्स का पैसा तनख्वाह लेते हैं, शाह बनकर हम पर रूल कर रहे हैं, ये मुझे किसी भी तरह से अच्छा नहीं लग रहा है, न मेरे आवाम को अच्छा लग रहा है।